वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद अनिसुर रहमान और आप देख रहे हैं कि मैं अभी कमरहट्टी के ग्राहम रोड में मौजूद हूं। हमारे पीछे देख रहे हैं कि जश्न वलादत इमाम हुसैन लोग मना रहे हैं और हमारे जस्ट पीछे ये इमाम हुसैन के नाम पर ये लंगर, ये खिचड़े की तकसीम आप अपनी माथों के निगाहों से देख रहे हैं। ये बहुत ही पुरानी तंजीम है। सिर्फ लंगर ही नहीं, ये देखिए शबील का भी एक अहम इंतज़ाम किया गया है। मैं वो तमाम तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कमरहट्टी का ये पांच माथा ग्राहम रोड की ये तस्वीरें हैं जो आप वाइटल न्यूज 24 के पर्दे पर डायरेक्ट देख पा रहे हैं। ये देखिए ये इमाम हुसैन अली मकाम के में वलादत के मौके पर शबील का यह एहतमाम, साथ ही साथ खिचड़े का यह एहतमाम। ये जश्न वलादत इमाम हुसैन के नाम पर लंगर खिचड़े साथ साथ ये खीर का एहतमाम भी किया गया है। आप हमारे वाइटल न्यूज 24 के पर्दे पर डायरेक्ट ये तस्वीरें कमरहट्टी के पांच माथा मोड़ से देख पा रहे हैं। मैं आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए किस तरह से लोग इमाम हुसैन के नाम पर लंगर का एहतमाम किए हुए हैं और लोग बहुत ही शौक से इस लंगर को अपने लिए वसूल कर रहे हैं, ले रहे हैं। शबील एक तरफ इंतजाम किया गया है, साथ ही साथ खीर का भी ये एहतमाम लोगों के दरमियान ये तकसीम किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि जश्न वलादत इमाम हुसैन की खुशी में लोग सरसार नजर आ रहे हैं। कमरहट्टी की ये पांच माथा मोड़ की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हमारे दरमियान वो तमाम लोगों की वो तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए शबील का एक शानदार इंतज़ाम लोगों के दरमियान, शबील भी तकसीम की जा रही है। मकसद ये है कि हम इमाम हुसैन के नाम पर अपनी खुशी को मनाएं और सिर्फ अपने लिए नहीं बस बल्कि दूसरों तक भी खुशियों को बांटने की कोशिश करें। ये देखिए इमाम हुसैन के नाम पर ये जो इंतजाम किए गए हैं मिन जानिब अहले सुन्नत शेख मुस्लिम रोड के जानिब से मोहिबान अहले सुन्नत के ये अराकिन मिराज भाई भी मिला क्या कहेंगे आज इमाम हुसैन का ये जन्मदिन? अब क्या कह रहे हैं, इंसानियत का आलमबरदार और इस्लाम के लिए अपनी जान को हथेली पे लिए फिरने वाला मेरा मौला हुसैन, आज उनका वलादत का दिन है, उनका जन्मदिन है। अल्लाह ने इन्हें अता किया था, इन्होंने इस्लाम की शान बचा ली, इस्लाम की लाज बचा ली, इस्लाम की अजमत बचा ली, नबी के दीन की अजमत बचा ली, पूरी इंसानियत को बचा लिया इन्होंने। 72 के 72 शहीद हो गए, हजारों की लश्कर के पीछे इन्होंने अपने आप को सुरंगू नहीं होने दिया। या अल्लाह हुसैन की अजमत को सलाम, हुसैन की शहादत को सलाम। और क्या कहूँ कि जब भी इंसानियत की बात आएगी और कौमों की बात आएगी तो हर कौम कहेगी कि काश के हुसैन हमारी कौम में होते, हुसैन हमारी कौम से मुंसलिक होते। यानी किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। भाई एक तस्वीर को देखने को मिली है कि आज हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह की विभाजन की राजनीति है, इमाम हुसैन के वलादत के मौके पर हर जाति धर्म के लोग यहाँ लंगर लुटा रहे हैं और लंगर खा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये करिश्मा है इमाम हुसैन का। और ये मैं आपको क्या कहूँ कि आज इराक जैसी सरजमीन पे जहाँ पे इमाम हुसैन का रोज़ा है, उनके बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, उनके भाई मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, हमारे दोस्त नूर हसन वारसी साहब और हमारा बड़ा साहबजादा ज़ीशान मेराज अंसारी वहाँ पे जलवा अफरोज हैं, वो लोग भी नज़ारा कर रहे हैं, वो लोग भी वहाँ पे ज़्यारत कर रहे हैं। वहाँ तो इतनी भीड़ है, लोगों का इज़्दहाम है कि लोग पैदल चल करके हजारों किलोमीटर का फासला तय करके इमाम हुसैन की बारगाह में आज उनके जश्न वलादत को मनाने के लिए हाजिर हैं। और क्या कहूँ कि हुसैन की अजमत को सलाम है। और हमारे दोस्त अरे क्या कहें, आज जिस तरह से जश्न वलादत हुसैन की धूम है कमरहट्टी में और कमरहट्टी की तारीख जमीन पर, लोगों को इम्तियाज करना मुश्किल है कि कौन कहाँ से है और किस जाति धर्म से है, क्या
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो यौमे इमाम हुसैन की जो पैदाइश के मौके पर यहाँ पे जो लंगर जो चल रहा है और मेरे जो भाई जो मेराज भाई की तरफ से ये जो एहतमाम किया गया है, ये इमाम हुसैन की शहादत और नाम हुसैन जो है ये असल में क़यामत तक के लिए एक पैगाम सुखन है कि किस हद तक हक की लड़ाई के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। इमाम हुसैन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि कहीं पे सुबह कहीं पे शाम थे, लबों पे लिए शहादत के जाम थे और किरदार बयानी कोई क्या करे हुसैन की, हुसैन असल में सरापा इस्लाम थे। इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया कि अपने कुनबे के साथ जब हक की लड़ाई लड़नी हो तो किसी की परवाह ना करते हुए अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। और ये पैगाम उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया की तमाम कौमों को दिया है कि आप जुल्म और बर्बरियत के मुजाहिदे होते रहें लेकिन अगर आप हक पर काबिज हैं तो यकीनन हर हक ही गालिब होगा। और ये शहादत हुसैन, वो शेर याद आ रहा है कि वो जो शेर था क्या कहते हैं उसको कि ज़माना पुकारे कि हमारे हुसैन इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो। तो आज ये दिन है, आज ये दिन आ गया, देखने को मिला। मैं तो अचानक यहाँ आया, मैं किसी काम से गया हुआ था, लेकिन वाकई में जो माहौल है और इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर ये जो प्रोग्राम किया गया है, ये जो बेदारी की महम है, ये वाकई काबिल कबूल है। और इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम होना चाहिए, उनके पैगाम को देने की ज़्यादा ज़रूरत है। लंगर के साथ साथ हमें उनका ये पैगाम भी देना चाहिए कि किस तरह से जब भी तमाम मुसलमानों को ये अज़म करना चाहिए कि हक और बातिल की जब भी बात होगी तो हम इमाम हुसैन की तरह उसी तरह डट जाएंगे जैसे करबला के मैदान में इमाम हुसैन डट गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे, आप सुन देख रहे हैं कि मिंजाने मोहिब्बान अहले बैत से एक मुस्लिम रोड के जानिब से जिस तरह से इमाम हुसैन वलादत इमाम हुसैन के नाम पर खिचड़ा शरबत और फिरनी का अहतमाम किया गया है, ये इस बात की शहादत देता है कि इमाम हुसैन के मानने वाले किसी जाति धर्म के मखसूस लोग नहीं बल्कि हर जाति धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर ऊंच नीच के लोग मोहब्बत रखते हैं। यही वजह है कि लोग आज इमाम हुसैन शहदाए हुसैन शहदाए करबला की याद में ये जश्न मना रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं और क़यामत जिंदा रहेंगे और उनकी तमाम वो वसूलें जिंदा रहेंगी और जो लोग उनके वसूल पर कायम और दायम रहेंगे वो भी जिंदा रहेंगे। वाइटल न्यूज़ 24 के पर्दे से आप यूं ही जुड़े रहिए, वो तमाम तस्वीरें एक एक करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सब बख़ैर।